2023 खत्म हो रहा है और सभी बेसब्री से 2024 का इंतजार कर रहे हैं। ये साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। बॉलीवुड के किंग खान ने साल में 3 बार स्क्रीन पर धमाका करके अपने फैंस के लिए ये साल खुशनुमा बनाया, तो वहीं रणबीर कपूर स्टारर एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों का शिकार कर लिया। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे इस साल की उन फिल्मों के बारे में जिसने सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचा दिया। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की। साल 2023 में अगर किसी एक्टर ने आते ही बॉक्स ऑफिस का गर्दा उड़ा दिया तो वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान ने अंतारा की मूवी जवान ने वर्ल्ड वाइड टोटल 1,148 करोड़ 32 लाख की लाइफ टाइम कमाई की। इस फिल्म को एटली ने निर्देशित किया था। वहीं दूसरे नंबर पर भी किंग खान का ही कब्जा है। शाहरुख की फिल्म पठान ने इस साल के शुरुआत में दस्तक दी थी। इस फिल्म में कई सालों बाद दीपिका और शाहरुख की जोड़ी देखने को मिली थी। इस फिल्म को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1,050 करोड़ 3 लाख की कमाई की। शाहरुख के अलावा ये साल रणबीर कपूर के लिए भी काफी अच्छा साबित हुआ। संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित और रणबीर कपूर अभिनीत एनिमल इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 882 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं ये साल सनी देओल के लिए भी काफी बेहतरीन साबित हुआ। सनी देओल ने 66 की उम्र में वो कमाल कर दिखाया जो बड़े बड़े सितारे नहीं कर पाए। सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ उन फिल्मों पर भारी पड़ गया जो बड़े बड़े बजट में बनी थी। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी गदर 2 ने दुनिया भर में लाइफ टाइम 691 करोड़ का बिजनेस करके साल की चौथी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। वहीं साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म लियो भी इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है। ये फिल्म रिलीज से पहले काफी विवादों में घिरी रही, लेकिन जब ये सिनेमा घरों में आई तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। लियो को लेकर जितना क्रेज इंडियन ऑडियंस में देखने को मिला उतना ही क्रेज विदेशों में भी रहा। एडवांस बुकिंग में ये फिल्म ने 215 करोड़ का बिजनेस कर लिया था और जब ये फिल्म थिएटर में आई इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम 618 करोड़ का बिजनेस कर 5वीं सबसे बड़ी सुपरहिट साबित हुई। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।